एप्पल ने ऑफिशियली अपने नए लाइनअप्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपने एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और आईफोन के लाइनअप्स को लॉन्च करा है। तो एयरपॉड और एप्पल वॉच के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो के बारे में। और आईफोन 14 प्रो के बारे में बात करूं तो आपने इसके जो फीचर्स देखे हैं वो आईफोन 13 से ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डीप स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूंगा, आपने गूगल वगैरह पे ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो स्पेसिफिकेशन बता के बोर करने वाली बात हो जाती है। तो आप इसको जाके कहीं भी पढ़ सकते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी पे पढ़ सकते हैं, जीएसएम एरेना वगैरह पे। तो मोटी मोटी बात करूं तो आईफोन 14 अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप 13 के यूजर ऑलरेडी हैं तो स्विच करने की कोई भी जरूरत मुझे ऐसी नहीं लगी कि इसमें बहुत बड़े हार्डवेयर चेंजेस किए गए हैं। सॉफ्टवेयर चेंजेस कुछ किए गए हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू 13 में भी किए जा सकते हैं। तो आप 12 यूजर हैं फिर आईफोन 11 के यूजर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपग्रेड कर सकते हैं 14 में, बट 13 के यूजर हैं तो कोई भी नीड नहीं है अपग्रेड करने की। इवन आपको कोई पहचाने का भी नहीं आपके पास 14 है या फिर आईफोन 13 है। सेम कैमरा डिजाइन, सेम हाउसिंग, सेम प्रोसेसर, इवन सेम कैमरा लॉन्च किया गया है इसमें भी, 14 में भी, जो 13 में था। हालांकि एप्पल कहता है कि सेंसर साइज को कुछ बढ़ाया गया है 14 में, बट इतना कुछ खास फर्क आएगा नहीं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के बारे में। अब 14 प्रो मैक्स में आईफोन ने कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में भी। तो हार्डवेयर का जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसकी नॉच को लेकर। आपको पता है कि एप्पल ऑलवेज एक ही चीज को लेकर क्रिटिसाइज होता आया है कि एप्पल अपने डिजाइन पे वर्क नहीं करता या फिर एप्पल अपने हाउसिंग पे वर्क नहीं करता, सेम डिजाइन कॉपी करता रहता है, अपने ही आईफोन का डिजाइन सेम उठा के अगले आईफोन में भी देता रहता है। तो आईफोन की जो नॉच थी, आपको पता है बहुत बड़ी सी नॉच थी और अनोइंग सी लगती थी, खराब लगती थी देखने में बेसिकली, बट आपके पास एक आईफोन है तो वो खराब चीज भी आपको एक प्रीमियम लेवल का लुक दे देती थी। तो आईफोन की बड़ी नॉच होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था कि आईफोन हार्डवेयर कंपोनेंट्स बहुत सारे यूज करता था अपने उस नॉच में, जिस रीजन की वजह से एप्पल को वो नॉच बड़ी रखनी पड़ती थी मजबूरन। उसमें वो SL3D कैमरा यूज करता था, जैसे आपको पता है कि आप रात में कहीं भी अपने आईफोन को अपने फेस से अनलॉक कर सकते थे, ये कोई एक कैमरा यूज करके नहीं करता था, इसके लिए अलग हार्डवेयर लगाया गया था जिससे आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते थे। और इसी रीजन की वजह से आईफोन अपने नॉच पे एक बहुत बड़ा स्पेस रखता था। बट आईफोन 14 में जो इसका मेजर अपग्रेड आया है वो ये आया है कि आईफोन ने अपनी नॉच को बहुत छोटा कर दिया है और एप्पल इस नॉच को कहता है डायनेमिक आइलैंड। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस पे ही फोकस करेंगे कि ये डायनेमिक आइलैंड क्या है और एप्पल ने इसको एक डायनेमिक आइलैंड का नाम क्यों दिया है। तो एज यू नो, आपको पता है कि आइलैंड का मतलब क्या होता है। आइलैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा जमीनी एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, आपको चीज पता होगी कि एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो एप्पल की नॉच भी जो है वो एक बीच में दी गई है, छोटे से आइलैंड जैसी, और वो पानी से घिरी हुई है या फिर आप कह सकते हैं पूरे डिस्प्ले से घिरी हुई है। तो एप्पल इसको डायनेमिक आइलैंड कहता है। चलो ये बात तो गई आइलैंड की, डायनेमिक मतलब क्या होता है। डायनेमिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो चेंज होती हो या फिर जो डायनेमिकली बदलती हो टाइम टू टाइम, या फिर जिसका कोई भी एक चीज कंसिस्टेंस ना रहता हो। तो डायनेमिक आइलैंड मतलब है कि एप्पल की जो ये नॉच है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसमें आप इस नॉच से ऐसे फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये नॉच दी हुई है या ये एप्पल का कोई एक फीचर है। लाइक आपने एंड्रॉयड वगैरह में जो नॉच देखी है वो बेशक ही छोटी आती है, बट आप उस नॉच को लेके देखते देखते इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते और आपको लगता है कि ये नॉच जो है ये हार्डवेयर का पार्ट है और आपके फोन में वो छेद एग्जिस्ट करता है तो करता है। बट एप्पल ने अपने इस नॉच को छिपाने के लिए कुछ ऐसे मेजर चेंजेस सॉफ्टवेयर में कर दिए हैं जिसमें कुछ एनिमेशंस के थ्रू आपको ये लगेगा कि जो ये नॉच है ये कोई हार्डवेयर का पार्ट है ही नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो कि कुछ पॉपअप देती है ऊपर। लाइक आप कैमरा ओपन करेंगे, अलार्म्स लगाएंगे, मैप खोलेंगे या फिर अपनी फेस आईडी को यूज करेंगे या बहुत सारे फीचर्स जितने भी आप यूज करेंगे, म्यूजिक्स यूज करेंगे, ये नॉच उसकी तरह से डायनेमिकली चेंज होगी या फिर एक पॉपअप एनिमेशन पॉपअप आएगा जिससे आपको लगेगा कि ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये एक पॉपअप है और आपके आईफोन में एक आपको फुल डिस्प्ले मिल रही है। तो आईफोन जो भी अपने चेंजेस करता है, एप्पल अपने जो भी चेंजेस करता है वो इतनी जल्दबाजी में नहीं करता कि एंड्रॉयड ने एक नॉच लॉन्च करी है जिसमें छोटी सी नॉच है, पंच होल है, वाटर ड्रॉप नॉच है, तो हम भी वाटर ड्रॉप यूज करें, लगा दो बस, कहीं से भी लाओ, दूसरी कंपनी से चुराओ, चेप दो। एप्पल ऐसा नहीं करता। एप्पल का महंगा होने के पीछे रीजन ये है कि एप्पल की एक बहुत बड़ी R&D टीम है, जिसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम,
जो हर एक पार्ट पे, हर एक हार्डवेयर पे, हर एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है, जिससे एप्पल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आपको हर बार नया मिले या फिर हर बार कुछ अलग चीज मिले। लोगों ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगाया तो एप्पल ने R&D करके फेस अनलॉक लगाया, इसी वजह से उसकी नॉच थोड़ी सी बड़ी हुई थी। और अब एप्पल जो अपने डायनेमिक आईलैंड या फिर डायनेमिक नॉच लाया है, उसमें जब आप 14 को यूज करेंगे, हालांकि अभी 14 मार्केट में आया नहीं है, 7 सितंबर से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, या फिर मुझे कंफर्म डेट पता नहीं है, आप चेक कर लेना। तो कुछ यूट्यूबर्स ने जो फिजिकली कैलिफोर्निया में जाके एप्पल इवेंट में उस आईफोन को दिखाया है, तो उससे ये पता लग रहा है कि जब आप यूज करते रहेंगे अपने आप हाथ में आईफोन 14 को, 14 प्रो को, तो जो उसकी नॉच है वो आपको पता ही नहीं लगने देगा आईफोन की, आप एक ऐसा फोन यूज कर रहे हैं जिसमें नॉच है। वो ऐसा लगेगा कि एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है और आपके स्क्रीन पे कोई पॉपअप एनिमेशन आए जा रही है और आप उस पॉपअप को ही यूज कर रहे हैं। तो इस एनिमेशन से आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे, आप नॉच का ही नहीं पता लगा पाएंगे कि एप्पल में नॉच दी हुई है या फिर ऑलरेडी कुछ एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जो आप यूज कर रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो मेजर चेंज लगा वो एप्पल की नॉच में लगा, जिसको एप्पल डायनेमिक आइलैंड कहता है। दूसरा एप्पल 14 प्रो में जो चेंज है वो इसके प्रोसेसर को लेके है, जो आईफोन अपने ए लाइनअप के बारे में जाना जाता है, A15, A16, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिप मानी जाती है हर एक काम के लिए, आप डे टू डे यूसेज या फिर बैटरी लाइफ के लिए, गेमिंग के लिए और एफिशिएंसी के लिए बहुत तगड़ी प्रोसेसर माना जाता है। और ये जो चिपसेट है ये 4 नैनोमीटर पर वर्क करता है। अगर आपको नैनोमीटर नहीं पता तो इसके लिए एक मेरी अलग वीडियो है, आप उसे देख लीजिए नैनोमीटर क्या होता है। और कैमरा में बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपको एक स्पोर्ट्स मोड मिलता है जहां आप OIS को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी फोन की वीडियो जो है एक स्टेबल स्टेट में रहेगी और बिल्कुल हिलेगी नहीं। अगली चीज की आपको पता है कि जहां बाकी सारे फोन्स 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल यूज करते थे, वहां आईफोन अपने 12 मेगापिक्सल से ही इन सारे कैमरास को बहुत इजीली बीट करता था। तो फाइनली एप्पल ने अपने फोन में 48 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया है, जो एक्चुअली एक सेंस बनाता है, एक्चुअली उसका जो प्रोसेसर है वो एक सेंस बनाता है 48 मेगापिक्सल के ऊपर। तो यही थी बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बता दिया 14 और 14 प्रो की, बेसिकली एप्पल ने जितने भी अपने लाइनअप्स अभी फ्रेश लॉन्च करे हैं उसका एक ओवरव्यू। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है और शेयर कर दो लोगों के साथ। चलो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर।